सभी छात्रों को और उनके अभिभावकों को नमस्कार। मैं राजेश मोहन उप्रेती, इतिहास प्रवक्ता, TSB राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल, जनपद पिथौरागढ़। आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, शायद आपको पसंद आए। आज की स्थिति जो भारत की है, COVID-19 के चलते, महामारी के चलते, स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग कॉलेज, अन्य इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, जिस कारण छात्र एवं छात्राओं का जो अध्यापन था रुक सा गया है। हमारा एक प्रयास है कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से या YouTube के माध्यम से, नेट के माध्यम से हम आप तक अपनी पहुंच बना सकें। मेन जो आज हमारा टॉपिक होगा, इंटर इतिहास की कक्षाओं के जो पहला पार्ट है और उनका कालक्रम है, उसके बारे में हम जानकारी देने का एक प्रयास करेंगे। इतिहास पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए वैसे तो आमने सामने होने की आवश्यकता होती है क्लास में, लेकिन हमारा और आपका जो एक माध्यम है, ये YouTube बनेगा। भारत सरकार द्वारा भी यही कहा गया है कि बच्चों को घर पर ही अध्ययन और अध्यापन कराएं। और बच्चों, इस महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें आप घर पे ही रह के पढ़ें। आज हम इंटर फाइनल की जो इतिहास की कक्षा है, उसमें पहला पार्ट हम आज कुछ डिस्कस करेंगे उसमें। और इतिहास में मुख्य बातें जो होती हैं, काल और क्रम की होती है, समय की होती है। आज हमने एक चार्ट बना रखा है बच्चों, ये इतिहास को नंबर एक प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर दो आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर तीन ऐतिहासिक काल। इस प्राग ऐतिहासिक काल में जो आते हैं हमारे, नंबर एक पुरापाषाण काल आता है, अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व तक का कालक्रम है ये। दूसरा जो आता है मध्य पाषाण काल, ये आता है 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व। नंबर तीन जो आता है नव पाषाण काल, यह 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के कालक्रम घटनाओं का इसमें अध्ययन करते हैं। अब जो प्रागैतिहासिक काल का जो है बच्चों, इस काल की जो जानकारी हमें मिली, जो हमें उस समय दस्तावेज के लिपि जो हमें मिली, वह चित्रात्मक लिपि है और यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। आज तक भी यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। जिस दिन यह लिपि पढ़ने में आ जाएगी, तो कई चीज़ें हमें उस काल की, प्रारंभिक काल का जो ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त हो सकेगी। नंबर दो, इस समय हमें 400 जो है चिन्ह मिले हुए हैं, प्राप्त हुए थे इस काल के समय में हमें, लेकिन कोई भी हमें पढ़ने पर नहीं आई। और जो लिखावट है इस समय की, वह तुम्हारा दाएं से बाएं ओर की लिखावट है। जो लिपि लिखी गई है दाएं से बाएं ओर लिखी गई है, लेकिन यह पढ़ी नहीं जा सकी। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो ये मुख्य है, इसको हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य रही है। इसके बाद आता है वैदिक सभ्यता, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का कालक्रम है। और इसी वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात। इस वैदिक काल की जो हमारा कालक्रम है, इसमें हमारे वेद और पुराणों की इसमें जानकारी मिलती है।
प्रारंभिक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसकी जानकारी हमें मिलती है और इसी से हमारा जो पौराणिक इतिहास है उससे प्राप्त होता है। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों इसमें। अब हमारा जो तीसरा फॉर्म है ऐतिहासिक काल, इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक विश्व, ये हमारा इसमें कालक्रम आता है। अब इसी प्राचीन भारत में जो है नंबर एक जो ऐतिहासिक जानकारी है महाजनपद काल, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो महाजनपद उस वक्त थे। अब उस वक्त जो महाजनपद थे, उस समय महाजनपदों में कैसा था उस समय का इतिहास उस महाजनपद में, और ये मेन था भारत में महाजनपदों की अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये राज्य में। दूसरा बच्चों, जो ये महाजनपद काल है, ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में नंबर एक काशी, कौशल, अंग, मगध, बिज, मल्ल, चेदी और वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, आगे जो है गांधार, कंबोज, ये आदि जो है थे 16 महाजनपद थे। अच्छा, ये महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ के आधार पर हमें इसकी पूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, इस काल में इस 16 महाजनपद काल में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य माना गया। बच्चों, इस समय जो राजा था मगध का राजा था और सबसे शक्तिशाली माना गया, और इसकी राजधानी, इस मगध की राजधानी थी राजगृह थी और यह वर्तमान में पटना और बिहार राज्य में स्थित है। और इसी समय बच्चों, जो ये महाजनपद हम बात कर रहे हैं हम आपसे, लोहे की खाने यहाँ थी इस महाजनपद में, और इसमें अन्य जो प्रचुर मात्रा में लोहा मिलता था और लोहे की जो वस्तुएं थी वो बनाना शुरू हो गई थी उस काल में। आगे हम इसी में जाएंगे, फिर इसके बाद आता है मगध साम्राज्य जो है 600 ईसा ईस्वी पूर्व से 300 ईसा पूर्व, और मौर्य, इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व, फिर आता है मौर्य उत्तर काल जो 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी का ये कालक्रम है, और इसके बाद आता है हर्षवर्धन काल जो 606 से 647 ईस्वी का ये कालक्रम है। तो ये एक जो हमें पूरा इतिहास का एक चार्ट है, और इसको आपको पढ़ना चाहिए और इसकी जानकारी रखनी चाहिए। ये पूरा एक बार आप बोल्ड इसको देख लें, इसमें एक बार ये कालक्रम इसको कैसे ये लिखा गया है। बच्चों, अब हम ये हमारा कालक्रम का और पुराने हमारी बातें जानकारी हो गई। अब इतिहास, इति माने ऐसा, हास माने हुआ, समस्त भूतकाल की घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं, समस्त भूतकाल की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अगर हमें ऐतिहासिक जानकारियां पूरी हों तो हम आगे को बहुत सी चीज़ें आगे कर सकते हैं। किसी भी वस्तु या चीज़ या इतिहास की जानकारी या समाज की जानकारी, पूर्व की जानकारी अगर हमें है, ऐतिहासिक जानकारी हमें है, तो हम आगे को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज ये हमारा जो ये पाठ था, यह इतिहास के विषय में एक जानकारी थी। नेक्स्ट जो अगला जो होगा वो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।